हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है NKR अनबॉक्सिंग। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉइन्स का। एंड आजकल के बच्चे इसे नहीं देखे होंगे डेफिनेटली, बट हम लोगों ने कुछ न कुछ यूज़ किया है इन पैसों में से। तो जो भी 1995 के पहले के हैं या 1995 से 90s के बीच के बच्चे हैं, उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़ किया होगा इन सारे कॉइन में से। बट अभी के बच्चों के लिए ये सारा विलुप्त हो चुका है एक तरह से। तो देखते हैं पहला कॉइन क्या है। तो पहला है मेरे पास 1 पैसे का सिक्का। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं कि 1 पैसे का सिक्का कैसा होता है। ये है 1969 का एंड पीछे बना हुआ है अशोका एम्बलम। एंड ज़्यादा कुछ नहीं है, एक कॉइन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है, बहुत दिन से रखा हुआ। आप सोच सकते हैं 1969 से ये कॉइन मेरे पास होगा या कितने लोगों के पास से गुजर कर मेरे पास आया होगा, और तब से ये मेरे पास है। तो ये काफ़ी पुराना है, आई थिंक ये एलमुनियम है। एंड इसके कुछ पिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 19 जो कॉइन था, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉइन था वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ऐसे ऐसे भी कॉइन्स बने थे 1 पैसे के, आप देख सकते हैं। ये है 1965 से 1981 के बीच का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये है 3 पैसे का कॉइन और ये 1968 का है। एंड यहाँ पे अशोका एम्बलम देख सकते हैं इस कॉइन को, बहुत ही रेयर है। आई डोंट नो ये रेड कैसे हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट है 5 पैसे का कॉइन। 5 पैसे के कॉइन मेरे पास 3 3 हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा है इसमें। सबसे पहला है यहाँ पे मेरे पास 1961 का, तो 1 पैसे के कॉइन से भी पुराना है। एंड आप देख सकते हैं अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। रुपए का बीसवा भाग यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। एंड भारत इंडिया अशोका एम्बलम अगेन। एंड 5 नए पैसे, तो ये थे 5 नए पैसे। एंड सेकेंड देख लेते हैं, ये है 1967, वो था 1961 का और 1967 का। इतने छोटे हैं कि मेरे हाथ में भी नहीं रह रहे, फिसल जा रहे हैं। तो यूनिक। अब आ जाता है 10 पैसे का कॉइन। तो ये रहा 10 पैसे का कॉइन, ये है 1989 का। एंड ये बहुत ही मस्त और यूनिक शेप में आता था, आप देख सकते हैं। आई डोंट नो ये कौन सा किस चीज़ का डिज़ाइन है, ये मुझे बो एंड एरो जैसा कुछ लग रहा है। एंड नेक्स्ट पीछे देख लेते हैं, इसमें भी अगेन अशोका एम्बलम। तो ये था 10 पैसे का, ये मैंने खुद यूज़ किया हुआ है बचपन में। एंड नेक्स्ट देखते हैं 10 पैसे का एक और कॉइन है, ये है 1989 का। एंड ये भी 10 पैसे का है, अगेन अशोका एम्बलम। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो ये है 25 पैसे का, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा राउंड लग रहा है, थोड़ा सा देखने में अच्छा मस्त लग रहा है। पैसे 25 पैसे है, ये है 1975 का है। एंड अशोका एम्बलम जिसके पीछे में कुछ बना हुआ रहता है, बड़ा यूनिक लगता है। तो आगे देखेंगे हम लोग और भी कौन कौन से हैं। ये भी 25 पैसे का कॉइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके पीछे बना है राइनासोरस। एंड ये है 1999 का। नेक्स्ट जो आप कॉइन देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, आप देख सकते हैं ये 50 पैसे का कॉइन है। एंड यहाँ हाफ रुपीज़ लिखा हुआ है। आपने कॉइन बहुत ही रेयरली देखा होगा, कोई बहुत लोगों ने इसको नहीं भी देखा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा ही यूनिक लगता है ये कॉइन देखने में। एंड आधा रुपया। एंड पीछे में अशोक एम्बलम, आप देख इस कॉइन को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, शायद ही आपको कहीं देखने के लिए मिले। तो अगर कुछ भी इसमें यूनिक लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 पैसे का केन, एक दूसरा कॉइन है। ये है 1985 का कॉइन है। पैसे आप देख सकते हैं कितना कितनी अच्छी सी डिज़ाइन दी हुई है इसके अंदर, ये कुछ वॉलपेपर्स में आप देख सकते हैं आजकल के समय में। एंड पीछे देखते हैं इसमें क्या बना हुआ है, इसमें भी अगेन अशोका एम्बलम। आई डोंट नो ये किस चीज़ का डिज़ाइन है, ये रैंडम है या कुछ स्पेसिफिक है, इसका मीनिंग है पता नहीं। अब जो कॉइन आ रहे हैं ये हैं रिसेंट के, बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया होगा। ये है 50 पैसे के, ये हाल ही में बंद हुआ है कुछ दिन, मतलब कुछ दिन पहले तो नहीं बोल सकते हैं, 20 साल हो गए होंगे, 15-20 साल के आसपास। एंड ये आप देख सकते हैं 1994 का है। एंड इसमें पार्लियामेंट भी था एंड भारत
का मैप है एंड यहाँ पे देख सकते हैं अशोक एम्बलम इसमें आगे दिया हुआ है। तो ये 50 पैसे का, इस बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया होगा डेफिनेटली। तो मेरे पास ऐसे 3 कॉइन्स हैं अलग अलग डेट के। नेक्स्ट देखते हैं 1 रुपये के कॉइन, ये भी अब बहुत कम मिलते हैं, अब नए वाले आ गए हैं। तो ये पुराना वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा हुआ है, अगेन आगे में है इसमें अशोक एम्बलम एंड पीछे में ये कौन है, ये हैं आपके सेंट तिरुवल्लुवर एंड पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ये कौन थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थे तिरुवल्लुवर, यहाँ पे इनको देख सकते हैं कि जो इनका बॉर्न हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। यहाँ पे देखिए ये तमिल में है एंड वल्लुवर भी इनको बोला जाता था और ये तमिल के पोएट थे और फिलोसोफर थे। ये देख सकते हैं ये इनका फ़ोटो है। तो मैंने नोटिस किया है कि जितने भी सिक्के पे फ़ोटोज़ बने रहते हैं वो जनरली लिटरेचर से रिलेटेड और पोएट्स होते हैं उन्हीं के रहते हैं, तो और जो भी महान लोग हैं उनके होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अगेन 1 रुपये का कॉइन, अभी वैसा ही है बट पीछे कुछ अलग दिया हुआ है। इसमें क्या है ये आप देख सकते हैं, सेलुलर जेल है जो पोर्ट ब्लेयर में है, यहाँ देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर भी लिखा हुआ है। और ये है 1997 का सिक्का एंड देख सकते हैं आप 1 रुपये का। बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉइन्स पहले बनते थे एंड आजकल एक ही तरह के कॉइन बार बार आते हैं। एंड ये हैं हमारे द ग्रेट वन एंड ओनली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एंड ये काफ़ी ही ज़्यादा आइडियल इंसान थे, सबके लिए एक आइडियल हैं। ये 1996 का है ये सिक्का, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये हैं श्री औरोबिंदो एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये शायद योग से रिलेटेड कुछ होंगे, इनके बारे में देखते हैं। इनके बारे में श्री औरोबिंदो, ये है श्री औरोबिंदो एंड श्री औरोबिंदो कलकत्ता में जन्मे थे, नाम से लग रहा होगा आपको। एंड डाइड, इनका डेथ हुआ था 1950 में एंड पौंडीचेरी में इनका डेथ हुआ था। एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे ये एंड ये इंडियन थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका लिटरेसी वर्क कौन कौन सा है, ये योगा से रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इस कॉइन में इंडियन रेलवे, ये इंडियन रेलवे का 150 ग्लोरियस ईयर्स के उपलक्ष में ये सिक्का निकाला गया होगा आई थिंक। यहाँ देख सकते हैं आप 2003 का है ये नोट का एंड 2 रुपये के जितने भी सिक्के थे उसके पीछे में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, आप देख सकते हैं ये सारे 2 रुपये के सिक्के हैं और सब में कुछ ना कुछ चेंज है। यहाँ आप नेक्स्ट देख सकते हैं ये सबसे कॉमन है, बहुत किसी के पास होगा 2000 वाला एंड यहाँ पे इंडिया का फ्लैग है एंड भारत माता, ये इंडिया का मैप है एंड आप देख सकते हैं 2 रुपीज़ का कॉइन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये है एग्री एक्सपो 95 एंड ये एग्रीकल्चर को शायद बढ़ावा देने के लिए इस सिक्के को निकाला गया होगा एंड आप देख सकते हैं इसमें एक बुल है एंड हल वगैरह बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं तो ये तो सबको पता होगा छत्रपति शिवाजी जी हैं और ये 1999 का कॉइन है। छत्रपति का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ पीपल एंड इसके बाद एक और कॉइन देख सकते हैं यहाँ पे, ये है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, वर्ल्ड्स बायो डाइवर्सिटी डे के ऊपर बनाया गया था 1993 में एंड आई थिंक 16 अक्टूबर को ये सारे पैन इंडिया में बांटा गया था, इस सिक्के को सर्कुलेट किया गया था। तो ये है नेक्स्ट कॉइन, भी यूनिक है, इसमें बने हुए हैं संत तुकाराम, 2002 का है ये सिक्का एंड ये भी 2 रुपीज़ कॉइन है। संत तुकाराम कौन थे चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हैं संत तुकाराम और ये मराठी पोएट हैं एंड ये बहुत सारे कीर्तन वगैरह इन्होंने स्टार्ट किया था, गाया था। तो ये थे संत तुकाराम। नेक्स्ट देख लेते हैं ये भी, ये है 5 रुपीज़ का कॉइन एंड इसके पीछे आप देख सकते,
भगवान महावीर के ऊपर कुछ इन सिक्कों को निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट डे, ये यूनाइटेड नेशंस के 50 जयंती पे निकाला गया था, 50th एनिवर्सरी था। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का ये सिंबल है, एंड ये 5 रुपीज़ का कॉइन है। ये कब का कॉइन है आप देख सकते हैं, ये है 1995 का। लास्टली सबसे न्यूएस्ट कॉइन 2 रुपीज़ में आप देख सकते हैं, ये था 2005 का। तो ये था मेरे कॉइन्स का कलेक्शन, एंड आई होप आपको कुछ इसमें यूनिक लगा होगा। आप लोगों ने बहुत सारा इसमें कुछ सिक्के होंगे जो नहीं देखे होंगे, तो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन नोट्स का रिव्यू भी दूंगा, कैसा है, इसमें क्या क्या थे, तो वेट करिए पार्ट 2 का। एंड लास्ट पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं सबके प्राइस बताऊंगा कि अभी इन सिक्कों का क्या वैल्यू है और इन नोटों का क्या वैल्यू है मार्केट में, एंड ये सारे सिक्कों के बदले मुझे कितने रुपए मिल सकते हैं वो भी पता चल जाएगा। तो देखते रहिए एनकेआर अनबॉक्सिंग।